पहली चीज तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लेटेस्ट सिक्योरिटी कौन से है, क्योंकि मैसेज में लिखा कि जो लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले मोबाइल नहीं है वो अगर इससे करोगे तो वो लटक या रिस्टार्ट पर आ जाएंगे, यानी डैमेज हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है पहले ही। तो ऐसे कौन से मॉडल है जो नई सिक्योरिटी के हैं? तो या जो पुरानी सिक्योरिटी से ना हो उसे हम न्यू सिक्योरिटी कहेंगे, समझ गए ना? तो नई सिक्योरिटी में दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम सभी मोबाइलों को पुरानी सिक्योरिटी समझ और पुराने तरीके से करें, जो जो हो जाए वो पुराने थे और जो जो ना हो वो नए हैं, और नए हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कीजिए, इस बटन को दबाइए, फोन को फिर से कनेक्ट कीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है? क्लियर जी सर। इसके बाद फॉरेंसिक का बटन है भाई, इस फॉरेंसिक आपने तो हमसे फ्लैश QRI पूछा, ये भी तो पूछना चाहिए कि फॉरेंसिक बटन कौन सा है। ठीक है जी। तो ये पहले तो नीचे से स्टाफ दबा लियो, सबसे नीचे स्टाफ कर लियो खून। अब एक चीज संजय जी हम बताना चाहेंगे कि हर बॉक्स में बटन तो कई दिए होते हैं, लेकिन हमको उस बटन का इस्तेमाल तब तक नहीं पता चलता है जब तक कि कोई समस्या उस बटन से ठीक ना हो। भाई रीड इन्फो का काम इंफॉर्मेशन रीड करना है, ये हमको तभी पता चला ना जब हमने कोई मोबाइल लगाया और उसकी जानकारी हमारे सामने आई, यही तो हुआ होगा जी। तो आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप YouTube Google कुछ भी चेक करोगे तो आपको शायद ही कोई वीडियो मिले जिसमें फॉरेंसिक बटन दबाया गया हो। तो हमारे जैसे ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये बटन दिया काहे के लिए, क्योंकि किसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जो कि इस बटन से सॉल्व की गई हो। ठीक है जी सर। इसके बाद रीड पैटर्न है, पैटर्न रीड करने के लिए। इसके बाद इनेबल डायग्नोस्टिक बटन है, आपके फोन का डायग्नोस्टिक पोर्ट खोलने के लिए, जो कि मैंने क्वालकॉम पे आपको बताया था कि IMEI वगैरह रिपेयर करने के लिए आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट की जरूरत पड़ती है, और कुछ मॉडलों में आप कोड के द्वारा, कुछ में ऑटोमेटिक, कुछ में उसके द्वारा, तो ये डेवलपर ऑप्शन पे जाकर के जब आप USB डिबगिंग ऑन कर देते हो तो उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक पोर्ट खोलने के लिए आप इस बटन का यूज कर सकते हैं, आपका डायग्नोस्टिक खुल जाएगा। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तो ये इनेबल डायग्नोस्टिक बटन है। इसके बाद रूट वाला बटन है, फोन को रूट करने के लिए उस बटन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद FRP का बटन है, यानी फोन की FRP हटाने के लिए इस बटन का इस्तेमाल होता है। फ्लैश QRI, ये बटन भी फॉरेंसिक बटन जैसा ही होता है, ठीक है जी। इस बटन का भी कोई आपको वीडियो नहीं मिलेगा, प्लस QRI, या अभी अगर एक दो दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई वीडियो बना है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसमें प्लस QRI की जरूरत पड़ी हो, ऐसा
फिलहाल हमारी जानकारी में इस बटन का कोई इस्तेमाल नहीं आया है। 69008 पोर्ट, ये बटन दिया जरूर है, लेकिन भाई कहा तो इस बटन के बारे में ये जाता है कि जब आप किसी फोन को कनेक्ट करते हैं तो वो 9008 का ड्राइवर लेता है क्यू लोड का, और कभी अगर उस ड्राइवर में कोई दिक्कत आए तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके उस ड्राइवर को सही कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो 9008 वाली दिक्कत कभी सामने आती नहीं है। हमें तो यही नहीं समझ में आया ये बटन डाला क्यों गया है, क्योंकि एक सीधी सी बात समझिए कि अगर फोन पोर्ट पे शो हो रहा है तो पोर्ट में कमी नहीं है, और अगर फोन पोर्ट पर शो ही नहीं हो रहा है तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके उसको ठीक कैसे कर लोगे? सोचने वाली बात है भाई। संजय जी, भाई आप उसी चीज को तो रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आपकी आंखें उसी चीज को देख सकती है ना जो आपकी आंखों के सामने हो। जो चीज आपकी आंखों के सामने आई ही ना हो तो वो अच्छी है या खराब है ये आपकी आंखें आपके दिमाग को कैसे बताएंगे, हमको ये बताइए। और अगर वो चीज खराब है तो आपके हाथ पर आंखों से देख करके उसको ठीक कैसे करेंगे, ये बताइए। सोचने वाली बात है भाई। आपके सामने आपके भाई साहब मान लीजिए खड़े हैं और आप उनको शर्ट पहना रहे हैं, या वो शर्ट पहन करके आपके सामने आए, आपको लगा कि उन्होंने बटन ऊपर नीचे बंद किए हैं, तो जब आपके आंखों ने ऊंचे नीचे बटन देखे तभी दिमाग ने कहा कि भाई हाथों को कमांड दी कि इनको ऊपर नीचे जरा इनका सही कर दो, लेकिन आपके भाई साहब आपके सामने है नहीं आ रहे हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कि उनके बटन ऊपर नीचे बंद है, और आपके हाथ उनको ऊपर नीचे सेट कैसे करेंगे, बताएंगे आप कुछ? तो ये जो फिक्स 9008 पोर्ट है भाई, ट्राई कर लेना भाई, कभी अगर ये 9008 की एरर आपको दिखा दे तू तो एक बार दबा दुबू के देख लेना, शायद कुछ अला भला हो जाए। वैसे मेरा तो ना हुआ है, आपका शायद हो जाए। हमने तो अपना लॉजिक बता दिया कि जब हमें चीज दिखाई नहीं रही है तो उसको बनाएंगे कहीं से। अब इसके बाद अगला बटन जो है हमारा वो है डिसेबल लॉक, और डिसेबल लॉक में आपको चार प्रकार की व्यवस्थाएं दिखाई देती है। एक है रिस्टोर लॉक, एक है रीसेट लॉक, वी